मंगलवार को हुई नगर पंचायत की सामान्य बोर्ड बैठक काफी गर्मा गर्मी रही। उसी बीच पूर्व मुख पार्षद तनवीर आलम ने वर्तमान के मुख पार्षद सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। पूर्व मुख पार्षद तनवीर आलम ने कहा कि जिन एजेंडों में मुख पार्षद का स्वार्थ रहता है उन्हीं एजेंडों को वो पास करवाते हैं। साथ ही साथ नल जल योजना को लेकर 38 लाख रुपए का बंदर बांट किया गया मुख पार्षद और पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी कुणाल किशोर के मिली भगत से। इस विषय पर मुख पार्षद सुशील कुमार क्या कुछ जवाब देते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख पार्षद का आरोप था कि आपने अपने स्वार्थ के लिए, जिसमें आपका स्वार्थ है, उन्हीं एजेंडों को आपने पास किया, इस पर आपका क्या कहना है? जय श्री राम। अब अपने स्वार्थ में एजेंडा पास कराने का मतलब तो मुझे समझ में नहीं आता है। बीरपुर में जो रोड खराब है उसको पास कराना अपना स्वार्थ है, नाला टूटा फूटा है उसको ठीक कराना अपना स्वार्थ है। इससे पूर्व जो चेयरमैन था तनवीर आलम, उसके पीरियड में जल नल का जो काम हुआ, बंदर बांट करके लूट लिया गया, उसको फिर से ठीक कराने के लिए उसमें पैसा खर्च करना स्वार्थ है। मतलब मेरे समझ में नहीं आता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई मुख्य पार्षद कोई एजेंडा लाएगा तो अपने स्वार्थ में कैसे ला सकता। मुझे कोई अपना बिल्डिंग बनवाना था क्या सरकार के धन से? मुझे अपना बिल्डिंग बनाना था क्या? मुझे कोई कार खरीदना था क्या सरकार के पैसे से? मुझे कोई ऐसा साइन बोर्ड लगवाना था जो 3800 का था, जिसका 50,000 पेमेंट लेना था? ऐसा तो पूर्व के मुख्य पार्षद ने किया। भ्रष्टाचार में जो पूरा लिप्त हो वो व्यक्ति मुझ पर आरोप लगा रहा है, आरोप तो उसको सिद्ध करना होगा। अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो मैं उस पर मानहानि का मुकदमा भी करूँगा, क्योंकि उसने यह आरोप लगाया कि 38 लाख रुपये का बंदर बांट कर लिया गया है। तो 38, एक तो सबसे पहले आरोप गलत, क्या किया गया है पहले उसको सूचना लेनी चाहिए, उसके बाद अगर गलत हुआ है तो आरोप लगाना चाहिए। विरोधी है, विरोधी का काम है आरोप लगाना, मेरा काम है उसका जवाब देना। और अगर मैं गलत होऊंगा तो सजा तो मिलेगी ही, और बीरपुर की जनता भी जानती है कि कौन कितना ईमानदार है, पूरी अच्छी तरह जानता है। मुझे तो किसी का जमीन कब्जा नहीं करना है। मेरी लोकप्रियता अगर धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों को लगता है कि लोगों को जब ज़रूरत होता है मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तो उसको लग रहा है कि कहीं यह व्यक्ति फिर आने वाले समय के लिए मेरे लिए झटका नहीं हो, तो अब तो कुछ ना कुछ तो विरोध करना होगा, या विरोध अब इसलिए अगर बदनाम करने की साजिश करे तो मैं क्या करूँ उसमें। ऐसे कल जो अभी एजेंडा हमारे थे, जो मुख्य काम था कि अभी आपके नल जल का पानी में बढ़िया नहीं मिल रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही, उसमें फिल्टर बदलना होगा, उस एजेंडा को हमने पास करवाया जो अति आवश्यक था। नल जल वाला एजेंडा चूँकि इनके पूर्व मुख्य पार्षद मिस्टर तनवीर आलम के पीरियड में हर जगह लगा, पाइप इतना ख़राब था कि पाइप बदलते बदलते अभी तक परेशानी हम लोगों की, और अभी तक हम पूरा नल जल से पानी नहीं दे पा रहे हैं। हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उसमें जो भी खर्च हो लेकिन जल्द से जल्द वह काम पूरा हो, इस बीरपुर के एक एक व्यक्ति को शुद्ध जल मिले, और ये जो मार्केट लोगों को जल खरीदना पड़ता है वो ना खरीदना पड़े, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा वादा है, जल्द से जल्द यह काम पूरा होगा। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व के जो कार्यपालक थे उनके साथ मिलकर आपने 38 लाख रुपये का जो है बंदर बांट किया, इस पर आप क्या कहेंगे? उसका जो यह आरोप है, सबसे पहले तो 38 लाख रुपए का कहां पर बंदर बांट किया हमने वो मुझे बतलाए, उसके बाद मिल करके बंदर बांट करने की योजना जहां तक है उसमें तो कौन एक्सपर्ट है वो पूरी जनता जानती है, किस तरह से लूटपाट किया गया, साइन बोर्ड में लूटपाट किया गया, सड़क बनाने में लूटपाट किया गया, जमीन हड़पने का जो काम किया गया, बहुत सारे मतलब क्या कहा जाए उसे, कुकर्मों का भंडार जो किए हुए व्यक्ति है वह मुझ पर आरोप लगा रहा है। जनता जवाब भी देगी और जनता ने जवाब दिया भी है। उन्होंने यह भी कहा है कि आपको नगर पंचायत चलाने का ढंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस पर आप क्या कहा? हमको तो लगता है फ्री में गुरुजी मिल गए हैं, अब हमको 5 साल पढ़ाएंगे, वो इतने विद्वान हैं
अब मैं एमए करके बेवकूफ़ हूँ लगता है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, वो अब हमको पढ़ाएंगे। कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो तो जग जाहिर है।